हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन सेशन ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट कोड 22501। दिस इज अ फिफ्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर 1। मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट पासिस थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम एंड इट्स यूजुअली मेजर इन क्यूबिक फीट पर सेकेंड, CFS और क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड और क्यूमेट। मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज में कोई भी एक एरिया को फ्लड के लिए, अगर वो एरिया में फ्लड होता है तो वो एरिया की कैपेसिटी कितनी है, कितना वाटर वो डिस्चार्ज कर सकेगा, ये एक मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। सपोज हम लोग एक डैम या फिर कोई रिजर्वायर डिजाइन कर रहे हैं तो उसका अप टू 50 to 100 ईयर्स का मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज कैलकुलेट किया जाता है। वो एज पर द एरिया ऑफ कैचमेंट मीन्स टोटल जो रेनफॉल वाला एरिया है, एरिया ऑफ कैचमेंट फाइंड करेंगे और वो एरिया किस लोकेशन पे, लोकेशन भी बहुत अफेक्ट करता है। लाइक रेनफॉल अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे फ्लड डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। तो फ्लड डिस्चार्ज में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एक पर यूनिट टाइम के लिए एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना वाटर ऑफ वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। मतलब सिंपली उसकी फ्लड आने पे उसकी वाटर कितना वो कैरी करेगा या फिर वाटर कितना डिस्चार्ज करेगा, दैट इज मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। नेक्स्ट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। बेसिकली देर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेटिंग MFD। MFD इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन MFD तो डोंट गेट कन्फ्यूज, आपको मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज का ही आंसर लिखना। तो मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के दो मेथड, फर्स्ट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड सेकेंड वन इज द रैशनल फार्मूला। तो जो ये रैशनल फार्मूला है ये आपको सिलेबस में नहीं है, यू हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला इन योर सिलेबस। तो एम्पिरिकल फार्मूला एरिया ऑफ कैचमेंट एंड लोकेशन ऑफ कैचमेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली लोकेशन ऑफ कैचमेंट वेरियस, अगर लोकेशन ऑफ कैचमेंट आपका मुंबई में है तो आपको अलग फार्मूला यूज़ करना है, अगर वो नॉर्थ में है तो, नॉर्थ इंडिया में है तो अलग है, सेंट्रल इंडिया में है तो अलग, देन अगर अमेरिकन कैचमेंट है तो भी उसका फॉर्मूला डिफरेंट है। तो यहाँ पे टोटल 5 डिफरेंट फार्मूलाज है टू फाइंड आउट मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। फर्स्ट इज डिकेंस फार्मूला, देन रैव्स फार्मूला, देन इंग्लिश फार्मूला, देन नवाब जंग बहादुर फार्मूला एंड लास्ट वन इज फैनिंग फार्मूला। तो इस ये जो 5 टाइप के जो फार्मूलाज है हम वन बाय वन देखें। द फर्स्ट वन इज डिकेंस फॉर्मूला। डिकेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी इन ब्रैकेट ए रेज टू 3/4। यहाँ पे अभी क्यू क्या है, क्यू इज मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है। देन ए मीन्स एरिया ऑफ कैचमेंट इन किलोमीटर स्क्वायर एंड सी, सी यहाँ पे कोएफिशिएंट रहता है, सी की वैल्यू डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कैचमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इफ कोएफिशिएंट हैविंग वैल्यू 11 फॉर नॉर्थ इंडिया, अगर वो कैचमेंट नॉर्थन इंडिया में है तो आपकी सी की वैल्यू 11 रहेगी, अगर वो सेंट्रल इंडिया में है तो 14 to 19 के बीच में आप कौन सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, और अगर वेस्टर्न इंडिया में है देन इट्स 22। अगर आप लोग निराली का बुक रेफर कर रहे हो तो निराली के बुक में यही वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट दी गई है, मतलब पॉइंट का डिफरेंस है, जैसे कि सेंट्रल इंडिया के लिए 13.9 to 19.9। तो ये आपके ऊपर है आप कौन से वैल्यूज रेफर कर रहे हो, तो उससे आपके आंसर में स्लाइटली डिफरेंस आएगा। ओके, नेक्स्ट इज रैव्स फार्मूला। ये जो फार्मूला है ये मोस्टली मद्रास तमिलनाडु स्टेट के लिए डिराइव किया गया है। क्यों अब फर्स्ट वाला अलग इसके लिए फिर अलग, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट रेनफॉल होता है, उसके लिए ये अलग अलग फार्मूलाज है।
तो ये सेकंड फॉर्मूला रैव्स फॉर्मूला है जो मद्रास तमिलनाडु स्टेट के लिए। तो रैव्स फॉर्मूला इज क्यू इज इक्वल टू सी इंटू ए रेस टू 2/3। अगेन हियर क्यू इज मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, ए इज एरिया एंड सी। अब सी की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट, अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो सी की वैल्यू यहाँ पे अलग रहेगी। कोएफिशिएंट सी इक्वल टू 6.8 फॉर एरिया विद इन 25 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट। अगर कोस्ट से एरिया 25 किलोमीटर के विद इन है तो सी की वैल्यू 6.8 आएगी। अगर एरिया इज बिटवीन 25 to 160 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट देन वैल्यू ऑफ सी इज 8.5। एंड लास्ट वन इज द 10 फॉर द लिमिटेड एरिया नियर हिल्स। अगर वो एरिया नियर द हिल्स है, हिली एरियाज में, तो उसकी वैल्यू, सी की वैल्यू हम लोग को 10 लेनी। अगर विद इन अ 25 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट है तो वो 6.8, एंड एरिया बिटवीन 25 to 160 किलोमीटर देन इट्स 8.5। अब आपको पता कैसे चलेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई किया रहेगा कि कैचमेंट एरिया कौन से इसमें है। एक तो स्टेट तमिलनाडु मेंशन किया रहेगा और आपको कोस्ट से उसका डिस्टेंस कितना है कैचमेंट का, ये दिया रहेगा। फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमें ये क्वेश्चन सेकेंड फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ओके, थर्ड इज आइग्लिस फॉर्मूला। अब आइग्लिस के जो ये फॉर्मूला, ये स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट के लिए डिराइव किया गया है। अब इसमें जो ए बी सी तीन अलग अलग फॉर्मूला है, तो हमें फर्स्ट टू ए एंड बी को इग्नोर करना है, क्योंकि देखो वहाँ पे वो दिया है स्मॉलर एरिया एंड एरिया बिटवीन 160,000 और लास्ट वन इज ऑल टाइप। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा तो आपको डायरेक्टली थर्ड फॉर्मूला से थर्ड फॉर्मूला यूज करके ही हमें डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करना। तो मेन आइग्लिस फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू 125 ए डिवाइड बाय अंडर रूट ए प्लस 10। अब यहाँ पे अगेन कोई निराली और टेकमैक्स बुक रेफर कर रहा है तो यहाँ पे यही फॉर्मूला में 125 के जगह पे 123 है, तो वो आपके ऊपर है, आपको 125 लेना है 123। आंसर आपका स्लाइटली चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट इज नवाब जंग बहादुर फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला, ये स्पेशली हैदराबाद स्टेट के लिए डिराइव किया गया है। क्यू इज इक्वल टू सी ए रेस टू 0.993 माइनस 1/14 लॉग ए। यहाँ पे अगेन क्यू इज इक्वल टू डिस्चार्ज, ए इज एरिया ऑफ कैचमेंट एंड सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। सी की वैल्यू 48 से लेके 60 के बीच में, आप कौन सी भी एक वैल्यू पुट कर सकते हो, बस आपको मेंशन करने कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हो। और यहाँ पे भी ये वैल्यू से सबका अलग अलग आंसर है, कुछ पॉइंट में या फिर कुछ वैल्यूज में डिफरेंस आएंगे, क्योंकि कोई 48 लेगा, कोई 50 लेगा, कोई 60 लेगा। तो आपको 48 से 60 के बीच में कोई भी एक वैल्यू पुट करना। एंड लास्ट फार्मूला इज फैनिंग्स फार्मूला। दिस फैनिंग फार्मूला इज स्पेशली फॉर अमेरिकन कैचमेंट। अगर आपको क्वेश्चन में अमेरिकन कैचमेंट कहा गया तो आपको फैनिंग्स फार्मूला यूज करना है, विच इज क्यू इज इक्वल टू सी ए रेज टू 5/6। और यहाँ पे जो सी की वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट है 2.54, तो यहाँ पे कुछ ये डिफरेंट नहीं होने वाली, ये फिक्स रहेगी 2.54। तो ये टोटल 5 फॉर्मूलाज है। अब हम लोग वन बाय वन पे जो बेस एग्जांपल्स है वो देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, द एरिया ऑफ कैचमेंट इज 800 स्क्वायर किलोमीटर, द एरिया इज लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया विद इन 150 किलोमीटर फ्रॉम एस्टिमेट मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज बाय यूजिंग वेरियस एम्पिरिकल फॉर्मूलाज एंड कंपेयर द फ्लडिंग डिस्चार्ज। अब ये क्वेश्चन में हम लोग को कैचमेंट का एरिया दिया हुआ है विच इज 800 स्क्वायर किलोमीटर और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दिए, ये हम लोग को फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज यूज करके सॉल्व करना है, मीन्स डीकेन, रैव्स एंड आइग्लिस, ये 3 फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डीकेन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में दिया हुआ, तो वेस्टर्न इंडिया के लिए सी की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 22। अब डिकेंस फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू सी ए रेज टू 3/4, ए इज 800 स्क्वायर किलोमीटर एंड सी की वैल्यू यहाँ पे 22 कंसीडर किया, बिकॉज ये वेस्टर्न इंडिया में दिया हुआ है लोकेशन ऑफ कैचमेंट। तो
तो ये हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आंसर 3310 मीटर क्यूब पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। देन अगेन सेकेंड फार्मूला यूज करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इज रैव्स फार्मूला। रैव्स फार्मूला में अब वहाँ पे तीन कंडीशन थे, एक विद इन 25 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट रहेगा तो 6.5 थी, अगर नेक्स्ट था 60 to 150 था, नेक्स्ट वाले में इसमें था 8.5 एंड हिली एरिया के पास में था तो हम लोग 10 लेंगे सी जो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है विद इन 150 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, तो यहाँ पे सी की वैल्यू आएगी 8.5। तो क्यू इज इक्वल टू 8.5, एरिया ऑफ सेगमेंट इज 800 raised to 2/3। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 733 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, ये फर्स्ट टू फार्मूला से हो गए, फिर हम लोग थर्ड फार्मूला से, दैट इज आइगलिस फार्मूला। अब इसमें मैंने तुम लोग पूरा तीन अलग अलग फार्मूलेस थे, लेकिन हम लोग सिर्फ लास्ट वाला यूज करेंगे विच इज क्यू इज इक्वल टू 125 a डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a प्लस 10। तो यहाँ पे डायरेक्टली 125 इंटू 800 इज एरिया ऑफ कैचमेंट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 10, देन वी गेट द आंसर 3514 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये तीन इससे ये वाले हम लोगों ने सॉल्व किए। अब हम लोग वन बाय वन हर एक मेथड के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि तुम लोग को और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो सेकेंड एग्जांपल इज द एरिया ऑफ कैचमेंट इज 650 स्क्वायर किलोमीटर, द एरिया इज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, एस्टिमेट मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज बाय यूजिंग सुटेबल मेथड। अब यहाँ पे ए की वैल्यू दी है 650 स्क्वायर किलोमीटर एंड एरिया इज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि लोकेशन ऑफ एरिया। तो हम फर्स्ट ही मेथड है जिसमें वेस्टर्न सेंट्रल ऐसे वेस्टर्न सेंट्रल एंड साउथ वाला अलग अलग पार्ट किया, तो इसमें हम लोग फर्स्ट वाला जो है डिकन्स फार्मूला वो यूज करेंगे। तो डिकन्स फार्मूला का फार्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू ए रेस टू 3/4। अब यहाँ पे सी सेंट्रल इंडिया के लिए क्या था, 14 टू लेके 19 तक कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हो, तो यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू 14 पुट की। ओके, तो क्यू इज इक्वल टू 14 इंटू एरिया ऑफ कैचमेंट इज 650 रेस टू 3/4। जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे देन गेट द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्जेस 1802.24 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको भी ये कैलसी पे सॉल्व करके देखना है कि ये आंसर राइट है या नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 3, द एरिया ऑफ कैचमेंट इज 931 स्क्वायर किलोमीटर एंड द एरिया इज लोकेटेड इन मद्रास तमिलनाडु विद इन 150 किलोमीटर फ्रॉम कोस्ट, एस्टिमेट द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। अब यहाँ पे एक मद्रास एंड तमिलनाडु पढ़ के हमें पता चलना चाहिए कि हमें सेकेंड फार्मूला यूज करना है विच इज रैव्स फार्मूला एंड एरिया ऑफ कैचमेंट इज 931 स्क्वायर किलोमीटर। रैव फार्मूला इज क्यू इज इक्वल टू सी इंटू ए रेस टू 2/3। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन है फॉर द सी, अगर विद इन 25 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट है तो 6.5 लेते, 150 किलोमीटर रहेगा तो 8.5 एंड हिली एरियाज के पास में रहेगा कैचमेंट एरिया, देन सी इज इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया विद इन 150 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, मीन्स यहाँ पे सी की वैल्यू रहेगी 8.5। तो क्यू इज इक्वल टू 8.5 इंटू एरिया ऑफ कैचमेंट इज 931 रेज टू 2/3। और जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 829.11 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट मेथड से सेकेंड मेथड से हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 4, द एरिया ऑफ कैचमेंट इज 931 स्क्वायर किलोमीटर, द एरिया इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र के लिए अलग से फार्मूला है आइगलिस फार्मूला। ओके, तो आइगलिस फार्मूला यहाँ पे मैंने तीनों जितने भी फार्मूलाज है आइगलिस के वो सारे यूज करके, मतलब स्मॉलर एरिया का भी फार्मूला यूज किया है, विद इन 160,000 किलोमीटर भी यूज किया और ऑल टाइप के कैचमेंट का। तो ये तीन फॉर्मूलाज वन बाय वन दिए हुए, क्यू इज इक्वल टू 125 अंडर रूट ऑफ ए, देन क्यू इज इक्वल टू 125 अंडर रूट ऑफ ए माइनस 260 इन ब्रैकेट ए माइनस 260 एंड लास्ट वन इज क्यू इज इक्वल टू 125 ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए प्लस
10. तो जब हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर मिलेगा 3814.036 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ये आप सभी को आपके कैलसी पे भी सॉल्व करके देखना कि आंसर राइट है या नहीं. फिर नेक्स्ट बाय यूजिंग सेकेंड फार्मूला. सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे तो आंसर मिलेगा 3559.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड. एंड लास्ट वन वाला जो मेन फार्मूला, अगर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आता तो आपको डायरेक्टली एक ही फार्मूला से सॉल्व करना, तो आप लास्ट वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो जिसमें क्यू इज इक्वल टू 125 ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए प्लस 10. और अगर आप निराली टेक्मैक्स रेफर कर रहे हो तो उसमें ये यहाँ पे 125 के जगह पे 123 है. ओके तो ये जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज इज 3794.42 मीटर क्यूब पर सेकेंड. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5. द एरिया ऑफ कैचमेंट इज 931 स्क्वायर किलोमीटर एंड द एरिया इज लोकेटेड इन हैदराबाद स्टेट. अब हैदराबाद स्टेट के लिए मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे नवाब जंग बहादुर फार्मूला. यहाँ पे वही फार्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू सी ए रेज टू अंडर इन द ब्रैकेट 0.993 माइनस 1/14 इंटू लॉग 8. और यहाँ पे सी इज कॉन्स्टेंट है, 48 से 60 के बीच में कौन सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू पुट की है 56. आपको चाहिए तो आप 60 भी ले सकते हो, 61 ले सकते हो, 49 ले सकते हो, कुछ भी 48 से लेके 60 के बीच में कौन सी भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो. तो सॉल्व करेंगे Q इज इक्वल टू 56 इंटू ए मीन्स एरिया ऑफ कैचमेंट विच इज 931 रेज टू इन ब्रैकेट 0.993 माइनस 1/14 इंटू लॉग ए मीन्स अगेन एरिया ऑफ कैचमेंट विच इज 931. और जब आप ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4743 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो वो पर्टिकुलर एरिया के लिए मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज का वैल्यू 4743 मीटर क्यूब पर. देन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6. द एरिया ऑफ कैचमेंट इज 931 एंड द एरिया इज लोकेटेड इन अमेरिका. एस्टिमेट द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज. अब अमेरिकन कैचमेंट के लिए हम लोग फैनिंग्स फार्मूला यूज करते हैं विच इज क्यू इज इक्वल टू सी ए रेज टू 5/6 वेयर सी इज कॉन्स्टेंट 2.54 है. तो यहाँ पे हम लोग सब सारी वैल्यूज पुट करेंगे. C is 2.54 into area of catchment is 931 raised to 5/6 solve करेंगे, then we'll get the answer of maximum flood discharges. Q is equal to 646.18 meter cube per second. तो ऐसे हम लोगों ने one by one हर एक methods solve के practice किए, example देखे. अब आपको ये कुछ मैंने fifth practice examples दिए हैं, तो आपको ये खुद से ट्राई करना है. यहाँ पे एरिया ऑफ कैचमेंट अलग है, जो कंडीशंस थी वो सारी अलग है. तो आपको ये सब प्रैक्टिस करना है सारे एग्जांपल्स, और इसका जो आंसर रहेगा ये मुझे व्हाट्सअप करना है. ओके और यहाँ पे जो आंसर्स आएगा वो आप अपने फ्रेंड्स के आंसर के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि हर कोई जो कॉन्स्टेंट सिलेक्ट करेगा वो अलग अलग रहेगा. तो आप कॉन्स्टेंट अलग ले रहे तो आपका आंसर अलग रहेगा. Thank you.